शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 160 अंकों की बढ़त के साथ 62,570 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 52 अंकों की तेजी के साथ 18,613 के स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में लगातार चार दिन की गिरावट के बाद ये तेजी आई है। सेंसेक्स में 30 में से 13 शेयर बढ़कर बंद हुए हैं, जबकि 17 शेयरों में गिरावट रही है। आज कारोबार के शुरू में शेयर बाजार कमजोर होकर खुले थे, लेकिन गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत से बाजार सेंटिमेंट बेहतर हुए हैं। कारोबार में आईटी शेयरों में बिकावरी रही और वहीं फार्मा और रियल्टी इंडेक्स भी लाल निशान पर बंद हुए। आज टॉप गेनर्स में एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक शामिल रहे, जबकि टॉप लूजर्स में सन फार्मा और टीसीएस, कोटक बैंक, विप्रो शामिल हैं। वहीं सराफा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। आज 24 कैरेट सोना 53,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 65,358 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।